बहू जीते रहो, एक कप चाय बना दो। वो पापा जी दूध नहीं है। दूध नहीं है? राहुल कहाँ है? वो छत पे सो रहे हैं। अब तक सो रहा है? चल राहुल को जगा दे। ठीक है पापा जी। ए जी सुनो, तुम्हें पापा जी बुला रहे हैं। ओए, तने मेरे हाथ कैसे लगाया? दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ लगाने की? तेरी औकात है मेरे हाथ लगाने की? जा, मैं अपना आप आ जाऊंगा। हाथ लगा रही है, चल जाए इससे। दिमाग ही खराब कर दिया सुबह सुबह, पता नहीं क्या सोच रही है अपने आप को। मेरी नींद भी और खराब कर दी। लो पापा जी चाय। ठीक है बेटा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते, कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा हूं, सो के आ रहा हूं। और कहां से आ रहा हूं? दूध कौन लाया था? मुझे क्या पता कौन लेकर आया दूध। बहू बेटा, दूध कौन लाया था? तुझे शर्म नहीं आती नालायक? दूध भी बहू लाएगी? चार दिनों से आए नहीं हुए, इतना बड़ा हो गया है, कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी को? दूध भी बहू लाएगी तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? दुनिया लावे दूध, दुनिया लावे दूध। चला जाए यहां से, बहू लगे अच्छी लाते हुए दूध, शर्म तो आती नहीं। चला जाए यहां से, नहीं तो मेरा हाथ से मर जाएगा।
स्वाति बेटा, स्वाति बेटा जी, तेरो राहुल कहाँ है बेटा? पापा जी वो अंदर है। ठीक है बेटा। राहुल बेटा, राहुल बेटा जी, पिताजी दिन निकल आया है, देख क्या टाइम हो रहा है, अब तो उठ जा बेटा। राहुल बेटा मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बोलो पिताजी। मैं हरिद्वार जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। जी पिताजी। बेटे अपना और परिवार का ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। आप भी अपना ख्याल रखना। स्वाति बेटा। जी पापा जी। स्वाति बेटा मैं कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। ठीक है पापा जी। जीते रहो। ठीक है बेटा। सुनो सुनो अजी सुनो। क्या हो गया? वो ये लो खाना, रख दे। क्या सब्जी बनाई? रोज रोज यही बना के रख दे। बिल्कुल बकवास सब्जी बनाई है। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? क्या चाह रही है तू? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया? मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के आई है, पता नहीं क्या चाहती है, हराम चाहती। अरे आजा राहुल मेरे दोस्त, और कैसा है? आज तो बड़े दिनों में आया है। बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। चलो भैया। के रुपये हो गए तुम्हारे? 20 रुपये हो गए। सर में दर्द हो रहा? आ बैठ, अभी मैं तेरे सर का दर्द दूर करता हूँ। यार बहुत मूड खराब है। मूड? ऐसा क्या हुआ? बस घर वाली मूड खराब करती रहे, परेशान हूँ मैं। अच्छा, अरे यार टेंशन मत लिया करो। टेंशन क्या, हर टाइम चिक चिक बाजी यार। यू सोचे मैं गुलाम बना के रखूं इसे? और सुना मेरे दोस्त, आज तो काफी दिनों में चक्कर लगा तुम्हारा। बस यार बिजी रहा हूं, क्या करूं, परेशान हूं मैं। क्यों, क्या परेशानी हो गई? अरे घरवाली हर टाइम लड़ाई करती रहे, सोचे गुलाम बना के रखूं इसे। तो यार इसका तो एक ही इलाज है, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे हाँ यार तू सही कह रहा है इस बात को, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये आइडिया? आज मेरे भाई गले लग जा। चल ठीक है तो। अरे सुन तो मेरे यार। हाँ। मालिश तो करवा ले। अरे मालिश बाद में कराऊंगा, तेने इतनी तगड़ी चीज बता दी यार, मेरे मन खुश कर दिए तेने। अच्छा तो ऐसा करियो, मेरी पार्टी याद रखियो। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी जरूर दे दियो। ये भी बिल्कुल बेकार। कहाँ जा रहे हो आप? फिर टोक दिया, कर दिया मूड खराब। वो मैं कह रही थी आपने सुबह से खाना नहीं खाया, खाना खा लेते। मुझे कोई खाना नहीं खाना। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, ना आप मुझसे बात करते हो, ना ही सीधे बोलते हो, और ना ही कुछ बताते हो। और वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं, मेरे बाप की मर्जी से हुई है। मुझे तू एक आंख नहीं भाती। तेरे सामने
इसी घर में तेरी सौतन लेके आऊंगा, समझ गई तू? जब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ, तू अभी जानती नहीं है, मैं बहुत हरामी चीज हूँ। उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, मैं पूछ के आती हूँ। ये कौन है जी? ये आज से इस घर की नौकरानी है। सुनो जी, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ये है तेरी सौतन, बोला था ना, आज देख ले। चलो। मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसा है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, अलग हट। मैं कैसे रहूंगी, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। अपना काम कर, अपने पाद मरे। राहुल, मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर मैं तुम्हारे बिगड़ नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज राहुल, प्लीज आ जाओ। अजी, आप इसे घर से निकालते क्यों नहीं हो? निकालने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने बाप की इज्जत की वजह से चुपू। उनकी इज्जत का सवाल नहीं होता ना, तो कब कल निकाल दिया होता। और वैसे भी भगाने से क्या फायदा, पड़ी रहेगी एक कोने में को, और तुम्हें तो नौकरानी की भी जरूरत है। इससे अच्छा नौकरानी का भी काम हो जाएगा, तुम आराम करना और वो काम करेगी। हाँ जी, सही कह रहे हो आप, मैं करूंगी आराम, वो करेगी काम, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब बातें ही करती रहोगी, ये सोना भी है। ठीक है, आती हूँ बाबा। ठीक है तो। अजी, मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अरे आप कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। आप क्यों जा रहे हो, वो महारानी किस काम आएगी? महारानी, ए महारानी, पानी ले क्या?
खड़ी खड़ी क्या हमारा मुंह देख रही और काम का तेरे बाप करेगा, चल यहां से। बहू बहू तुम कौन? पहले आप बताओ आप कौन? मैं इस घर का मालिक हूँ। तो मैं घर की मालकिन हूँ। मालकिन कैसे? मैं राहुल की बीवी हूँ। क्या? बहू ये क्या? चुप हो जा बेटे, जो भी कोई दिक्कत होगी मैं दूर करूंगा बेटे, तो चुप हो जा। चुप हो जा बेटा, कब तक रोती रहेगी? कुछ तो बता क्या हुआ बेटा। पापा जी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो मेरी शादी उनके साथ क्यों की? ना तो वो मन से बोलते ना ही तो कुछ बताते। ऐसी मेरी कौन सी गलती थी जो मेरे साथ ऐसा किया? पापा जी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी मैंने कौन सी गलती की थी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हेलो, और कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और तुम आज सही जगह पहुँच गई? अरे पूछो मत, ये तो बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाला है। अच्छा, ऐसी बात है, तो थोड़ी बहुत दौलत मेरे पास भी पहुंचा दो। अरे अभी मुझे 2 दिन हुए इस घर में आए हुए, सारी दौलत तुम पे लुटा दूं? अच्छा ये बताओ उस घर में कौन कौन है? अरे इस घर में एक चुड़ैल थी लेकिन आज एक बुड्ढा भी आ गया। बुड्ढा? ये बुड्ढा कौन है? पता नहीं, बोलता है मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, और बताओ कैसे हो? चल खड़ी हो, निकल मेरे घर से। मैं आपसे अभी बात करती हूँ। ठीक है। बुड्ढे इस घर से मैं नहीं, तू निकलेगा। तू निकल यहाँ से। बुड्ढे मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तू मेरे पिताजी पे हाथ ठाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैंने तुझे इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत दी, पर तू इज्जत के काबिल नहीं है। निकल जा इसी वक्त मेरे घर से। दोबारा शिकल मत दिखाइयो। इस घर में रहने कौन चाहता है? इस घर में तो आके मैं बंदगी हूँ। वैसे भी ये घर मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे लिए जेल है। मैंने सोचा क्या था, लेकिन मुझे मिला क्या यहाँ पर? देख बेटा, माँ बाप जो करते हैं औलाद के लिए अच्छा ही करते हैं। तूने अपनी मर्जी से करके देखा ना, कैसे लगा तुझे? तूने जो किया उसे भुगत, हट। आज तो पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, सबने मेरे साथ छोड़ दिया। अब मैं किस मुंह से स्वाति के पास जाऊं? मैंने उस पर इतना अत्याचार करा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकाल। अब मैं नहीं जीना चाहता, अब तो मैं माफी के काबिल भी नहीं रहा। मैंने इतने अत्याचार करे उस पर, मैं नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता। स्वाति,
मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती हूँ। तुमने मेरे बारे में, पिताजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा और पिताजी का क्या होगा? तुम इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हो? स्वाति, मैंने तुझ पे इतने अत्याचार करे, मैं तो तेरी माफी के काबिल भी नहीं हूँ। तू मुझे माफ कर दे। तुम माफी मत मांगो, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। नहीं, नहीं।